Hey guys, welcome back to my channel. आप देख रहे हैं KG Vlogs, third day, exciting भरा। तो भाई मैं डेटा ट्रांसफर हो रहा है और दोनों भाई बाहर मजे ले रहे हैं, तो बाहर का व्यू दिखाता हूँ मैं सबसे पहले आपको, क्योंकि देखने लायक है। जब भी मैं कह रहा हूँ कि दिखाएंगे भाई, एक तो यार पैर में दर्द हो रहा है काफी ज्यादा। वो एक तो मैंने जो मैंने नी गार्ड पहन रखे थे ना और टाइट बांध दिए, तो पैरों में बहुत दर्द हो रहा है भाई। बाहर का व्यू देखो केजी भाई, वो दिखाओ पैराग्लाइडिंग भाई। यहाँ से सब पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं बंदे, वो दूर तक दिख नहीं रहा होगा। तो भाई दूर तक मुझे दिख रहा है कि वहाँ एक बंदा पैराग्लाइडिंग कर रहा है। अपनी वीडियो भाई मस्त बन रही होगी भाई। वो बर्फ के पार दिखा दो, देखो राइट में। अबे भाई मुझे देखो, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो बर्फ भाई। मजा आने वाला है भाई कैंपिंग में, कैंपिंग में मजा आने वाला है भाई। ए टू जेड भाई, चाय का मजा लिया जा रहा है भाई। मैं ठंड लग रही थी इसलिए चाय पी रहा हूं। कंपन जो लिया, कंपन कपड़े पहन ले तू भी भाई। पहनेंगे यार, खून गर्म है हमारा थोड़ा। ओए ओए एक और आ गया, एक और आ गया, एक और आ गया। देखो भाई ये रहा, चील जा रही है, चील जा रही है भाई। यहाँ से मजे आने वाले हैं भाई, फुल टू भाई। व्यू देखो भाई, एक नंबर का भाई। फटाफट रेडी होते हैं और निकलते हैं अपना एक्सप्लोर करने बीर व्हीलिंग के लिए। चलो लेट्स गो। तो गाइस सब रेडी हो गए हैं, सब तैयार हो गए हैं, सब अपनी पैकिंग वैकिंग ब्लॉगिंग का सेटअप कर रहे हैं सब कुछ भाई। टाइम कितना हो रहा है दिखाना, 11:30 भाई देख लो, 11:30 बज रहे हैं। तो भाई हमारा ब्लॉगिंग का सेटअप ऐसा है, कुछ दिखा देता हूँ मैं। ये रहा मेरा पूरा ब्लॉग सेटअप, ये रहा भाई दिखा तो सही से कि भाई ऐसा है। ये रात के लिए लाइट ले रखी है मैंने, जो मैं चांदनी चौक से लाया था, और ये माइक लगा रखा है कुछ ऐसे, जिससे विंड जो विंड आती है उससे नॉइस आती है काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने सेटअप ऐसे कर दिया, और DSLR लेके जा रहे हैं, और ये कुछ वो है हेड माउंट, चेस्ट माउंट, मतलब काफ़ी चीज़ें रख रखी हैं जो इंपॉर्टेंट है मेरे इस बैग में। और भाई तुमने रख लिया सारा सामान? सारा बैग पैक है मेरा, बस निकलते भाई। इस बैग में DSLR डाल लियो भाई। शीशा देखो कहाँ लगा रखा है, जुगाड़ अंदर से वॉशरूम से शीशा उखाड़ के यहाँ लगा दिया। भाई इन भाई सब का जुगाड़ है, नोनू मिस्त्री, नोनू लेंटर वाले। लेंटर वाले जूते अभी 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 साफ करे इन्होंने, ये ठेकेदार है यहाँ पे। तो भाई ठेकेदारों को लेकर आया हूँ मैं अपनी राइड पर, सारे ठेकेदार मेरे पल्ले पड़ने थे। टेंडर मिला है, आज कह रहे बीर बिलिंग को बना देंगे दिल्ली। तो भाई लेट ना करते, तो अब चलते हैं अपना। तो भाई रात को मैं दिखा नहीं पाया था किस में रुके हैं। तो ये सनसेट पॉइंट है, जो इनके होटल का नाम है, और ये फ़ोन नंबर है जहाँ रुके हैं भाई। ये बाइक खड़ी है हमारी, ये भैया हैं इस होटल के, मतलब मैनेजर या मतलब हेड है, मतलब आप, मतलब आपका ही होटल है ये? हाँ जी इनका ही होटल है भाई। देख लो भाई नंबर, अपना नंबर बताओ यार, फोन नंबर 9817063210 भाई। काफी अच्छी सर्विस लगी, मतलब एक मिनट में, मतलब जो भी हम कहते थे ना दो मिनट में आया था। लेट भी तो कितना आए थे, हाँ, फिर भी भाई ने बहुत मदद करी। हाँ हाँ, तो भाई अभी वेट कर रहे हैं कोई गाड़ी आने का, क्योंकि हमें वहाँ तक पहुँचना है जहाँ हमें कहीं सीक्रेट है यार, वो मैं बताने नहीं चाहता, जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं भाई। वेट करो उस चीज का, जैसे ही पहुँचेंगे मैं दिखाऊंगा हम क्या करने वाले हैं आज। आज बाइक नहीं चलाएंगे पर इतना है। तो भाई जल्दी मिलते हैं अपनी लोकेशन पे। चलो भाई गाड़ी मिल गई, तो भाई आ जाओ। तो भाई ये लैंडिंग पॉइंट है जो पैराग्लाइडिंग की है। तो भाई यहाँ आए हैं, तो यहाँ जो पैराग्लाइडिंग होती है वो भैया ने कहा है कि 2500 ले लेंगे गोप्रो के साथ। दाल चने वाले, दाल चने खाने तो खा लेना भाई यहाँ आकर। नहीं भाई नहीं भाई, क्या कर रहे हो यार तुम, क्या कर रहे हो फोन में? हिसाब किताब लिखा जा रहा है, हिसाब लिख रहा हूँ, हिसाब किताब लिखा जा रहा है भाई। देखो भाई जो प्लान है पैराग्लाइडिंग का वो कल का प्लान है, आज हम कुछ और ही करने वाले हैं, इंटरेस्टिंग है काफ़ी। तो पहले वो वहाँ चलते हैं, बहुत देर हो गई, मैं कब से कह जा रहा हूँ चलते चलते चलते, पर चल नहीं रहे हैं। पर वो चल, अब सच्ची में चल रहे हैं भाई। चल रहे हैं नहीं चल रहे हो यार, चल रहे हो नहीं चल रहे हो? चल रहे हैं भाई, चल रहे हैं भाई। इतने टाइम लगा रहे हो तुम पैराग्लाइडिंग भाई। हाँ पॉइंट जो बर्फ पड़ी हुई है ना, मुझे लग रहा है वहाँ से टेक ऑफ है। और अगर टॉप पे देखोगे ना तो भाई चलो लेट्स गो।
अपनी भाषा में भाई हमने नई भाषा सीखी है अभी यहाँ आकर लैंग्वेज सीख रहे हैं। ठंड में निकलती है मेरे मुंह से निकल गई है भाई ये अपना ही चल रहा है अपने दिन में। हो गया उसको ब्लॉग खत्म भाई हो गया। अब भाई शूट करें ना भाई हम यहाँ पता क्यों आए हैं इस मार्केट में एक्चुअली भाई यहाँ हम अपनी माउंटेन साइकिल लेने आए आज बाइक नहीं चलाएंगे साइकिल लेने हैं भाई साइकिलिंग करेंगे आज पूरे दिन के लिए साइकिल लेंगे हम पूरी दिन करेंगे। हाँ बस यही सस्पेंस था भाई क्योंकि यार सब बाइकर्स राइड ही राइड करते हैं साइकिलिंग भी तो करनी चाहिए नई चीजें भी तो देखनी चाहिए भाई। लेकिन सुपर बाइक है सुपर बाइक ले ले फिर भाई खड़ी तो है मेरी व्हाइट कलर की व्हाइट कलर की तेरे को साइकिल सुपर से भी ऊपर है भाई। हां भाई ये भी बात कर लेते ना कहां जा रहा है साइकिल तो फिर बात करो। तो भाइयों तुमने साइकिल ले लिया फाइनली ये वाली लिया नॉन इलेक्ट्रिक भाई ये मैंग भाई ये साइकिल चला रहे हैं टेस्ट ड्राइव लेकर आए हैं भाई ओके कर दिया कह रहा चल जाएगी बड़े आराम से चलेगी कंफर्टेबल है कह रहा काफ़ी कंफर्टेबल है। तो भाई फाइनल हो गई हम तीन अपनी साइकिलें निकलवा रहे हैं आज पूरा ट्रैवल साइकिल से करेंगे हम है ना भाई। तो भाई ब्लॉग में और मज़ा आने वाला है भाई चलो यार चलते हैं हम। तो भाई डिटेल भर दी हमने साइन वाइन हो गए तो भाई कह रहे हैं 8 बजे से पहले आ जाना आ सकते हो तो आज पूरा दिन साइकिल मौज लेने वाले हैं। तो मैं भाई पूरा कवर कर रहे हैं तो भाई समझा रहे हैं समझा दिए आ जा आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं ठीक है। ये लेफ्ट वाला यूज नहीं करना है ठीक है स्पीड बढ़ाने के लिए होता है स्पीड बढ़ाने के लिए हाँ अगर आप इसको यूज करेंगे तो जो छोटी सी भी चढ़ाई होगी वो भी नहीं चढ़ पाओगे भाई जहाँ से हमने साइकिल लिया वो साइकिल पाथ है तो भाई ये नंबर है उनका आ सकते हो आप सर्च करके गूगल पे होगा इनका। तो भाई अब जल्दी से लेट नहीं करते अब राइड शुरू करते हैं जल्दी से साइकिल की अपनी साइकिल राइड। तो गाइस बहुत मज़ा आ रहा है साइकिल चलाने में एक तो पहाड़ों पर राइडिंग तो बहुत कर ली अब साइकिलिंग का मज़ा लिया जाएगा। अब हमारा जो प्लान है वो जाने का है मोनेस्ट्री जो मोनेस्ट्री है उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा अभी मैं देख के बताऊँगा कि कौन सी मोनेस्ट्री जा रहे हैं। चलो काफ़ी लेट हो गए चलते हैं मोनेस्ट्री की तरफ। तो गाइस हालत बुरी है बहुत ज़्यादा दोनों की भी है देखो दिखाता हूँ ये दोनों आ रहे वीरा ढीला हो चुका है चढ़ाई पे हम पैदल लेके जा रहे हैं उतराई पे तो मज़ा आ रहा था जब तक उतरती रही साइकिल जब तक हम मज़े ले रहे साइकिल महंगी पड़ गई भाई हम 500 मीटर में ही हालत ख़राब हो गई मेरी तो पानी दे रहा हूँ अब यहाँ मज़ा आएगा प्लेन रोड आगे मैं दिखाता हूँ मतलब ऐसे ऐसा है ना जैसे अब है तो मज़ा आने वाला है। ये खतरनाक चढ़ाई थी भाई ये तो नैना देवी मनसा देवी से भी खतरनाक थी वो ढीला वो कंधे में रख ला गाइस हमारा बाहुबली भाई अपनी बंदी को उठा के ला करो वीर का पानी निकल गया भाई एनर्जी जूस पी लिया है और भाई आगे की तरफ निकलेंगे। मैंने अपनी वो ठीक है इनर उतार लिया भाई बहुत पसीने पसीने आ गए थे उसमें तो मैंने उतार ली भाई अब थोड़ा अच्छा लग रहा है अब ज़्यादा पसीने नहीं आ रहे तो भाई आप आगे बढ़ेंगे अपनी मंजिल की ओर है भाई। दोस्तों इधर देखो इधर हाँ भाई बढ़ जाएंगे पहुँच जाएंगे आज। अरे भाई मैं तो कब से बैठा हूँ यार इन दोनों का वेट कर रहा हूँ मैं चल ही नहीं रहे हाँ यहाँ लगा के गाने चला ले भाई जिससे कॉपीराइट आ जाए हमारे वीडियो में। चलो भाई आगे निकलते हैं हम धीरे धीरे करके। तो गाइस यार मेहनत भरा काम तो है पर इन्जॉयमेंट भी है एक अलग
चीज करी है, हमने कोशिश करी है कि अलग कुछ न्यू डिफरेंट चीज दिखाए आपको। तो देखो भाई पहुँचते नहीं पहुँचते आज भाई, हम खा पी रहे हैं तो अपने बैग में ही अपना कूड़ा रख रहे हैं भाई। कभी भी आओ ऐसे नेचर में तो भाई अपना कूड़ा अपने पास ही रखो और डस्टबिन में जाके फेंको, जिससे नेचर गंदा ना हो। अब आए हैं, गंद थोड़ी फैलाना है कहीं। अब पता नहीं रास्ता कौन सा है वहाँ के लिए। ढलान पे सबसे ज्यादा मजा आ रहा है, चढ़ाई पे तो हालत खराब हो रही है पर ढलान पे बहुत मजा आ रहा है। बहुत आने वाली है मोनेस्ट्री, कह रहा बस नीचे ही है आगे। हाँ चलो भाई चलो चलो। तो गाइस मोनेस्ट्री आने वाली है, पीछे देखो ये फ्लैग्स लग रहे हैं, कितने सुंदर है, ये अच्छी जगह लग रही है। यहाँ एक दो फोटो खींचते हैं फिर मोनेस्ट्री के पास चलेंगे, फोटो यहाँ अच्छी आएगी। तो फाइनली मोनेस्ट्री पे आ चुके हैं, आपको मोनेस्ट्री दिखा देता हूँ पीछे का व्यू। ये रहा भाई व्यू, देखो व्यू के साथ मोनेस्ट्री अलग ही दिख रही है भाई। ये रही अभी नीचे से रास्ता, हमने अपनी साइकिलें पार्क कर दी हैं और अभी यहाँ से नीचे जाएंगे। हम नीचे जाके यहाँ से वो सामने दिख रहा है वो वहाँ पे भाई, बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आने वाली हैं, बहुत बढ़िया भाई। कुछ अलग दिखाओ, कुछ अच्छा दिखाओ तो भाई सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बताना कैसी वीडियो बनी है, कमेंट करना। बाकी मैं आगे मोनेस्ट्री पे दिखाता हूँ वीडियो, अपना ब्लॉग वहीं से स्टार्ट करेंगे आगे जाके। तो फाइनली मोनेस्ट्री पहुँच गए, पीछे देख पा रहे होगे आप मोनेस्ट्री है मेरे पीछे। अब एंट्री लेंगे इसके अंदर, देखेंगे भाई कैसी है, सबने देखी है तो हम भी देखेंगे यार, कुछ नया अपन कुछ नई चीज़ देखने का मौका मिलेगा अब है भाई। पहाड़ वहाड़ तो देख लिए बहुत, हाँ तो अब कुछ नई चीज़ देखनी है भाई। चले अंदर, चलो यार अब अंदर चलते हैं। भाई कई अंदर आ गए, तो अभी हमने एंट्री ले ली अंदर भाई। देखो अंदर से गजब, ऐसा लग रहा है कि जो जापान में मूवीज, जो चाइना में मूवीज बनती है ना वो यहीं बनती है भाई। एकदम बहुत ही बढ़िया, कुछ अलग ही दिख रहा है। भाई ऊपर की तरफ चलते हैं, पर कुछ हो रहा है आप सुन पा रहे होंगे। भाई अंदर वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे क्योंकि लिखा हुआ था कि वीडियो यहाँ कैमरा लाना अलाउ नहीं है। तो मैं जितनी वीडियो बना पाया, टाइम लैप्स बना पाया, मैंने बना दिए। शॉर्ट्स जितने भी बनाए आपने इन्जॉय करे होंगे। अब दूसरी जगह जा रहा हूँ मैं, वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, हमने सोचा जाते हुए वो देखेंगे। अब वहीं की तरफ बढ़ रहे हैं तीनों, चले चलो भाई। भाई जो दूसरी मोनेस्ट्री थी ऑलमोस्ट पहुँच गए हम पैदल पैदल, काफ़ी खूबसूरत लग रही है भाई। ऐसी मोनेस्ट्री मैंने देखी ही नहीं, सही बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। बहुत ही अलग है, बहुत ज़्यादा ही ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और मतलब सिटी में आ गया हूँ, कि मैं शायद मैं चाइना का लग रहा है भाई बिल्कुल, कि मैं चाइना आ चुका हूँ, चाइना घूमने आया हूँ। क्योंकि वहीं ऐसी ऐसी ड्रैगन्स होते हैं और बहुत चीज़ें होती हैं कि वैसी लग रहा है बिल्कुल, लग ही नहीं रहा ये इंडिया में मैं घूम रहा हूँ। मैं एकदम फॉरेन जैसी फील आ रही है, आप देख पा रहे होगे। तो भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, मैं मेरी तरफ से एक बार ज़रूर विज़िट करना है यहाँ पर, चाहे कैसे भी आओ आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा, शांति इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा शांति है। और अंदर देखते हैं कैसा आता है इसका व्यू। मैं कैसा नहीं लगा, स्कूल की छुट्टी हुई हो, बैग गया, बैग ले जाए पर उठा के, अरे ये रहा हमारा बैग, बैग टांग के स्कूल चलते बच्चे, स्कूल की छुट्टी हो गई है भाई। पैसा वसूल था यहाँ तक आना भाई, देखा काफ़ी अच्छी लोकेशन मिली हमें,
सोचा नहीं था रियल में इतना अच्छा दिखेगा। गूगल पे तो मैंने देखा था भाई ठीक था, हाँ ठीक था, पर आके भाई अलग ही मज़ा था। चलो यार अब अंदर की तरफ चलेंगे, अपना देखेंगे अंदर से कैसा है ये। भाई अब अंदर की तरफ चलेंगे, अंदर की तरफ चलेंगे, फोटो वोटो खिंचा ली हमने। तो भाई ये रहा अंदर का कुछ ऐसा व्यू। भाई आज अभी सब बंद है, मुझे लग रहा है कोई भी नहीं आया। बाकी अब साइकिल चलाते हो अपने घर की तरफ निकलेंगे, काफ़ी रात होने वाली है, नहीं तो रात को साइकिल नहीं चलने वाली, ना लाइट है ना कुछ है, घर पहुंचने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे फिर से। अब चलो घर की तरफ बढ़ते हैं। मोनेस्ट्री को अलविदा कहते हैं, अब मिलेंगे किसी से, किसी ना किसी साल में तो मिल ही जाएंगे, अगली बार किसी और ग्रुप के साथ। भाई अंधेरा होता जा रहा है, बस टाइम पर पहुँच जाए और सेफली पहुँच जाए। देख लो पूरी तरफ अंधेरा ही अंधेरा, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, और ये दोनों ही आ रहे, एक ये रहा एक पीछे रह गया। 5:53 हो रहे हैं, तो भाई देखो कब तक पहुंचते हैं अपने रूम पर। ताकत मत लगा भाई, जहाँ रेस्ट ले सकते हैं वहाँ रेस्ट ले रहे हैं, यहाँ जोर लगाना है वहाँ जोर लगा रहे हैं, यहाँ होश से काम लेना पड़ेगा, जोश से नहीं। है ना भाई मिक्की, मिक्की है ना भाई? हाँ ऐसी रोड होगी भाई, गड्ढे वड्ढे आएंगे ना अभी बीच में, अरे वहाँ दिक्कत होने वाली है। उन्होंने पता नहीं कहाँ चला गया, उससे मना कर रहा था हमारे साथ साथ रही हो, चाहे हम पीछे हों चाहे आगे हों, हमारी स्पीड में चलाइयो। बाइक के साथ ऐसे करता है? हाँ हमें छोड़ देता है। यार उन्होंने बहुत देर से नहीं दिखा है, हम कब से ट्राई कर रहे हैं। ये रहा उल्लू। तो मिक्की तो नोनू भाई ने टट्टी चाटियाँ मिल गई है, ये भी होगी जस्टिस हो पा रहा है, पता नहीं हो पा रहा, जीप में चाट ली और फिर कह रहा है भाई ये क्या था। तो भाई ये कह रहा है ये क्या था, रुकना अब इसके टायर उछल गई होगी। किसके? तेरे। ये गिर गई होगी साइकिल, किसी ने उठाई है दोबारा। तो भाई टट्टी साइकिल से दूर रहे, टट्टी चाट के कैसा लग रहा है आपको? टट्टी नहीं भाई, उसमें लगी साइकिल में, मेरे हाथ में लगी भाई, चाट भी लिए ने भाई। मिक्की बताना सूंघ तो रहा था ना, खाइयो मां कसम सूंघा नहीं तूने भाई, मैं पत्ती सूंघ रहा नहीं खा रहा भाई, टट्टी चाट लिए नोनू ने। तो गाइस 1-2 किलोमीटर आ गए होंगे और टाइम हो रहा है 6:12। भाई थोड़ा थोड़ा थक रहे हैं, अंधेरा देख रहे हो कितना हो रहा है जंगल में, हम तीन ही हैं बस जो मजे ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, सजा ले रहे हैं, मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। अभी पुल पर रुके, थोड़ा थक गए हैं चलाते चलाते भाई, नहीं पहुंच गए मैं, थोड़ी सी दूर और रह गया, मार्केट शुरू हो गई। ट्रेन 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 ट्रेन, अड़ जाओ अड़ जाओ अड़ जाओ, तो भाई अड़बड़ निकलो, वो पहुँच गया, बस पहुँच गए, मुश्किल से 5 मिनट का और रास्ता होगा। तो फाइनली गाइस पहुँच गए अपनी, यहाँ से साइकिल ली थी, थक गए बहुत। तो भाई हेलमेट दे देते हैं उनको और फिर चलते हैं अपने रूम पर, है भाई? हाँ रख दिए, ओके ठीक है भाई, ठीक है बैग उठा लो, ओके थैंक यू, चलो भाई चलो। भाई भैया की साइकिलें काफ़ी अच्छी थी भाई, लेना हो तो ले लेना। ये है कुछ व्यू बाहर का, ये शॉप है, यहाँ से ली थी हमने साइकिलें, काफ़ी अच्छा नेचर लगा भैया का, और काफ़ी अच्छी साइकिलें थी बाकी से, बहुत अच्छी लगी मुझे, सबसे हालत सही इनकी ही थी साइकिलों की, है ना। तो गाइस फाइनली रूम पर आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ मैं, और ये भी भाई थक चुके हैं भाई, खाने का वेट कर रहे हैं मेरे लिए, मैंने कहा यार 2 मिनट रुक जाए, ब्लॉग एंड कर रहे हैं ब्लॉग एंड कर रहे हैं, तो भाई 2 मिनट रुक जाओ भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई? मस्त रहा एकदम, बढ़िया। नहीं नहीं बस भूख लग रही है। तो भाई तुम बताओ मतलब बर्ड था या नहीं था इतना बताओ भाई, बर्ड था या नहीं था साइकिल लेना? देखो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।